वेल, बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टार्स को आपने देखा होगा हमेशा अपनी हर बात खुलकर रखते हुए। बॉलीवुड की बेबो उन्हीं में से एक है जिन्होंने हमेशा से ही अपनी बात खुलकर साझा की है, अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर अपनी राय रखी है और एक्सप्रेस किया है अपने वैल्यूज और अपने विचारों को। लेकिन रिसेंटली वही करीना कपूर खान जो बॉलीवुड की है फेवरेट बेबो हो गई ट्रॉल। काफ़ी ज़्यादा वो नेटिजन्स की आ गई हैं निशाने पर, काफ़ी ज़्यादा नफरतों का हुई है शिकार। करीना को साफ करार दिया गया है झूठी। वेल, करीना कपूर खान के झूठ को कैसे पकड़ा गया? आखिर वो कौन सा झूठ है जो करीना ने अपने बड़े बेटे तैमूर को लेकर कहा, ये हम आपको बताएंगे। आपको पता ही है नन्हे नवाब तैमूर अली खान पटौदी के नाम को लेकर कितना बड़ा विवाद हुआ था। नन्हे के जन्म के बाद ही उनके नाम का रेवलेशन हुआ तो करीना हॉस्पिटल में ही थी और जो विवाद उन्होंने सुने थे सोशल मीडिया पर, जो हेटफुल मैसेजेस आ रहे थे उनके बेटे फैमिली को लेकर, उससे वो काफ़ी डर गई थी, काफ़ी अंदर से टूट गई थी। करीना कपूर खान ने काफ़ी टाइम बाद तैमूर नाम पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा था ये पूरी तरह से सैफ का आइडिया था। सैफ अली खान हिस्टोरिकल बुक्स और हिस्ट्रीज से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं और उन्हें मुग़ल एम्परर के दिनों को पढ़ना पसंद रहा है। तैमूर नाम के एक वॉरियर को लेकर उनके फैंटेसी थे जिसके कारण उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखना चाहा और इस तरह उनके बेटे का नाम तैमूर रखा गया। हालांकि बाद में वही करीना का एक इंटरव्यू ऐसे वायरल हुआ कि करीना ने कहा कि तैमूर का नाम सैफ अली खान पटौदी के एक चाइल्डहुड फ्रेंड के नाम से उन्हें मिला है। सैफ चाहते थे अगर उनका बेटा होगा तो वो उनके पहले दोस्त होंगे, बिल्कुल उनके चाइल्डहुड दोस्त की तरह, इसलिए वो नाम उन्हें तैमूर देंगे। सैफ के दोस्त थे तैमूर, जिसलिए करीना के बेटे का नाम तैमूर रखा गया। अलग अलग बात रखने की वजह से करीना को झूठा करार दिया गया। नेक्स्ट नाइन लाइव रिपोर्ट।